वंदना अग्रवाल हूँ, मैं सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हूँ, यहाँ पे इंद्रापुरम में प्रैक्टिस करती हूँ। एक महिला हर काम कर सकती है, फिर चाहे बात परिवार की हो या देश की। कुछ महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो अपने लिए नहीं समाज के लिए काम कर रही हैं। अब आप डॉक्टर दीदी को ही देख लीजिए, पूरा शहर इनकी तारीफ करता है। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की सीनियर रेडियोलॉजिस्ट वंदना अग्रवाल की। ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ वो एक मुहिम चला रही हैं। यही नहीं, डॉक्टर वंदना महंगे टेस्ट भी कम खर्च में करती हैं। हम जाके सोसाइटीज में भी, जो आसपास की बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, उसमें भी हमने कई बार ब्रेस्ट अवेयरनेस टॉक्स दी हैं कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूरी है 40 के बाद, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आजकल। डॉक्टर वंदना ने 1997 में मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल से MBBS की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपनी पहली प्रैक्टिस शिर्डी साईं बाबा संस्थान अस्पताल में की। मरीजों को करीब से समझा, कई बड़े हॉस्पिटल्स में काम भी किया। डॉक्टर दीदी मरीजों को सीधा फायदा पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने एक कमरे में क्लिनिक खोलकर शुरुआत की। डॉक्टर वंदना अपनी जर्नी के बारे में बताती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो एक MBBS की सीट मिलना था, कि जब हम 11th-12th कर रहे थे तब, मतलब मैंने बॉम्बे से किया है तो बहुत, मतलब हर जगह ही, पूरे इंडिया में ही स्ट्रगल है एक MBBS की सीट मिलने के लिए, और खासतौर से अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करना। प्राइवेट हॉस्पिटल से फिर भी मिल जाती है, अच्छे गवर्नमेंट म्युनिसिपल हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पे सीट मिलना बहुत मुश्किल होती है। डॉक्टर का कहना है कि इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल होता है, 24 घंटे की शिफ्ट और आंखों के सामने किसी की मौत होना छोटी बात नहीं, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही मन बना लिया था कि उन्हें यही करना है। काम सीखने के बाद डॉक्टर ने खुद का काम शुरू किया। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डॉक्टर कहती हैं, ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत ही ज्यादा डेफिनेटली इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है, उसकी परसेंटेज देखी जाए तो ड्रास्टिकली लास्ट 10-15 साल में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एज ऑफ मैरिज हमारी लेट हो रही है, बच्चे कम हो रहे हैं, कई ब्रेस्ट फीडिंग कम हो रही है, इन सब कारणों के कारण। जैसे पहले खाली ब्रेस्ट कैंसर US वगैरह में ज्यादा सुनने को आता था, अब तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी अवेयरनेस के लिए हम बहुत ही पहले से एक्टिव रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर से महिलाओं को बचाने का डॉक्टर दीदी काम करती आ रही हैं। वो बताती हैं कि 40 की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिन करना जरूरी हो जाता है, वहीं लोगों के बीच इस बारे में जागरूकता भी नहीं है, इसलिए उनका सेंटर ब्रेस्ट कैंसर के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। वो बताती हैं, के लिए हमने हमारे यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड भी है, मैमोग्राफी, और काफी डिस्काउंटेड चीप रेट्स में, और खासतौर से जो पुअर आए उनको हम स्पेशल डिस्काउंट्स देते हैं। हम जब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होते हैं, अक्टूबर होता है जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ बोलते हैं, उसमें हम हमेशा ही मतलब डिस्काउंट्स देते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि अपना मैमोग्राफी कराइए। हम न्यूज़पेपर्स में पैम्फलेट्स भी देते हैं कि ये बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर, सो एवरीवन शुड गेट इट स्क्रीन। हमारे क्लिनिक के अंदर हमने पोस्टर्स लगाए हुए हैं कि आप अपनी एग्जामिनेशन कराने आए। डॉक्टर वंदना का कहना है कि महिलाओं को ब्रेस्ट के बारे में बताने में शर्म आती है, लेकिन कैंसर बहुत तेजी से फैलता है, इसीलिए तुरंत इलाज करना जरूरी है। वर्किंग वुमन के लिए भी डॉक्टर ने सलाह दी है। कल सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आ गई हैं, ब्रेस्ट कैंसर की तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है जो यंग गर्ल्स को 13 years ऑफ एज ऑनवर्ड्स लगवा सकती है, जिसमें फ्यूचर में वो सर्वाइकल कैंसर से बच सकती है। कैंसर हैं जो वरीसम होते हैं, सर्वाइकल कैंसर जो पहले से काफ़ी है, ब्रेस्ट कैंसर जो अब बढ़ रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस एग्जामिनेशन ज़रूरी है, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। ये वैक्सीन 13 years ऑफ एज से लग सकती है, और इसका मैक्सिमम एफिकेसी तभी रहता है जो 13 से 20-25 साल तक लग जाए तो बेस्ट रहता है, तो वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और बाकी अपना भी ध्यान रखें, अपनी फैमिली का, अपनी मदर्स का, मदर इन लॉज का, मतलब जितना भी हो सके खुद जागरूक रहे, और उनको मतलब कुछ इश्यू हो तो आप डॉक्टर के पास लेके आए। तो ये थी डॉक्टर वंदना की जर्नी, जो पढ़ लिख कर महिलाओं की भलाई का काम कर रही हैं। उनकी इस पहल की वजह से बहुत सी महिलाएं अपना जीवन संवार रही हैं। गाजियाबाद से विशाल झा की रिपोर्ट।